फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंह क्लासेस। आज हम मैथ्स का एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर का निकालना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू नंबर, ठीक है, टू और मोर नंबर्स। तो ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, जो मतलब बेसिकली जो भी दो नंबर्स है उनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसी को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो HCF ऑफ 60 एंड 70, जो दो नंबर्स है उसका 15 होता है। तो जो ये 15 है, ये सबसे बड़ा नंबर है, प्लस सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, कॉमन फैक्टर है, जो 60 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 75 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 75 इज 15, बिकॉज 15 इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ 60 एंड 75 एग्जैक्टली और कंप्लीटली, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हम निकालते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो में हम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसी एग्जांपल को लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने किस तरीके से निकाला 60 और 75 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले जो नंबर दिए हैं उनकी क्या है प्राइम, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखना पड़ता है। इससे पहले मैंने समझा दिया कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक नंबर को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 30 पे जाएगा, ठीक है। फिर से हम अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 पे जाएगा, क्योंकि 15 टू 30 होता है। अब 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास जो अवेलेबल है वो 3 है, 3 5 15, और 5 आपका 5 से ही डिवाइड जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करना है तब तक हमारा 1 ना आ जाए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 75 का निकालें एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, अगर इसको लिखें तो 5 से ये डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, तो 15 5 जा 75 होता है, तो 15 पे डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 आएगा, 5 3 जा 15 होता है, और 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है नहीं। तो हमने क्या कर दिया, इस नंबर को ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया है। तो कॉमन फैक्टर 60 और 75 को निकालेंगे, तो 60 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होगा, 2 × 2 × 3 और × 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे डिजिट्स को, तो हमें 60 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 75 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे, तो 5 × 5 दैट इज 25 × 25 = 75। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी एक कॉमन है, इसके फैक्टर्स में 3 है, इसके फैक्टर्स में भी 3 है, तो ये भी कॉमन है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है 60 और 75 नंबर में, तो वो क्या है, 5 × 3 इस कॉमन, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 15। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 60 और 75 का, वो क्या होगा आपका, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 15 होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का निकाल सकते हैं। और मोर वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग सिंह क्लासेस। थैंक यू।